नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। निकाय चुनाव के लिए हम हैं तैयार, पर सपा की नीयत है खराब, लगा रही है अड़ंगा। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने लगाया आरोप, कहा समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी के एक नेता के भाई के माध्यम से पैदा कर रही है अड़चन। निकाय चुनाव में देरी में सपा है दोषी, सपा की मानसिकता है दलित, पिछड़ा और महिला विरोधी। समय से चुनाव चाहती है योगी सरकार, जिसका जो हक है उसे दिलाने की है मनसा। न्यायालय के हर आदेश का पालन करेगी योगी सरकार। सदन सांसद रवि किशन ने लोकसभा में सहजनवा, पीपीगंज और कैंपियरगंज रेलवे स्टेशन पर कोरोना काल से स्थगित विभिन्न ट्रेनों के ठहराव का उठाया मुद्दा, कहा जनहित के लिए आवश्यक है दोबारा ट्रेनों का ठहराव। रंगदारी मांगने, जानलेवा हमला करने व अवैध शस्त्र रखने वाले 5 अभियुक्त अरविंद यादव, शिव प्रताप यादव, प्रतीक उर्फ प्रिंस पांजे, प्रेम यादव और अनिकेत शर्मा के ऊपर सहजनवा थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। सीओ कैंपियर घनश्याम देवबिंद ने दी जानकारी। जनवरी 2023 को मनाया जाएगा मकर संक्रांति, खिचड़ी महापर्व। गोरक्ष पीठ के प्रधान पुरोहित आचार्य रामानुज त्रिपाठी ने कहा इस मकर संक्रांति में मिथुन, सिंह, वृश्चिक, धनु और कुंभ राशि वाले जातकों को मिलेगा विशेष लाभ। दो शातिर चोरों संजय जायसवाल व अंगद गोस्वामी पर सिकरीगंज थाने की पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा किया दर्ज, एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। प्रदेश के नगरों की विशिष्ट विशेषताओं को उद्घाटित करने की अति महत्वाकांक्षी योजना के तहत गोरखपुर जनपद और शहर का मनाया जाएगा जन्म सृजन दिवस। नगर आयुक्त विनाश सिंह ने कहा ऐतिहासिक पौराणिक विरासत स्थल के महत्व के स्थानों पर आयोजित होंगे विभिन्न कार्यक्रम। गाँव में भी सुरक्षा तंत्र मजबूत करने में जुटी है योगी सरकार। गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में 151 स्थानों पर पंचायती राज विभाग द्वारा लगवाए गए उच्च गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे। प्रथम फेज में 307 स्थलों पर ग्राम निधि से लगने हैं सीसीटीवी कैमरे। जनहित में यूनियन बैंक ने अपने सीएसआर फंड से 8 डिब्बे वाले कूड़ेदान सहित 13 ट्राईसाइकिल नगर निगम को किया गिफ्ट। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने ट्राईसाइकिल को हरी झंडी दिखाकर वार्डों में किया रवाना, कहा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कर कर्मचारी ब्रांड एम्बेसडर की हैसियत से स्वच्छता एवं सफाई पर लोगों को करेंगे जागरूक। शहर के वार्ड नंबर 38 महेवा स्थित कान्हा उपवन नगर में रहने वाले आम नागरिकों का बुनियादी सुविधाओं के अभाव को देखते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने तत्काल मुख्यमंत्री त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत प्रदान की सड़क की स्वीकृति, कहा निर्माण कार्य की गुणवत्ता के बारे में स्थानीय निवासियों से ली जाएगी जानकारी। और गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियां हुई शुरू। मेले में ब्रेक डांस, ज्वाइन बिल, टोरा टोरा, नाव, रेंजर, तमाम तरह के झूले के साथ मैरी ग्राउंड नाम का आया नया झूला। झूला व्यवसायी ने कहा 25 दिसंबर से ही लोग इनका शुरू कर देंगे उठाना लुफ्त। अब खबरें विस्तार से। निकाय चुनाव के बढ़ते इंतजार के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को दोषी बताया है। उन्होंने कहा है कि सपा नहीं चाहती है कि समय पर चुनाव हो, इसलिए अड़ंगा डालने के लिए सपा ने अपने पार्टी के एक बड़े नेता के भाई के माध्यम से अड़चन पैदा कर रही है। योगी सरकार और भाजपा समय पर निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार है। बुधवार को दिए अपने बयान में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी का लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भरोसा नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके नेताओं की मानसिकता दलित, पिछड़ा और महिला विरोधी है। वंचित तबके के बढ़ते प्रतिनिधित्व से समाजवादी पार्टी घबराई हुई है। सपा को आशंका है कि अगर इस वक्त चुनाव हुए तो
शहरी निकायों में उसे बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में सपा अपने पार्टी के एक बड़े नेता के माध्यम से अड़ंगा डालने की कोशिश कर रही है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि भाजपा संगठन और उत्तर प्रदेश सरकार की संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप समय पर निकाय चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। समय पर चुनाव हो ताकि शहरों के नियोजित विकास की गति और तेज हो सके। मामले का न्यायालय के समक्ष लंबित होने के सवाल पर केशव मौर्य ने कहा कि हर किसी को अधिकार है कि वह अपनी बात न्यायालय के समक्ष रखे, लेकिन जब मंशा साफ होनी चाहिए। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम करती है। सरकार की मंशा साफ है, हम आरक्षण के हर अधिकारी को उसका हक दिलाना चाहते हैं। अब जबकि मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तो न्यायालय का जो भी आदेश होगा सरकार उसका पालन करेगी, लेकिन आज अपनी हार तय जानकर समाजवादी पार्टी चुनाव में अड़ंगा डालने की कोशिश कर रही है। चुनाव जब भी होंगे जनता सपा को इसका जवाब जरूर देगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, निश्चित तौर से निकाय चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी तैयार है, समय से चुनाव कराने के लिए तैयार है। जो आरक्षण प्रक्रिया है उसके हिसाब से जो आरक्षण के अधिकारी हैं उनको आरक्षण देते हुए चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए तैयार है। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के कई लोग, जिनकी मानसिकता सदा से, चाहे वह पिछड़ा विरोधी हो, चाहे वह दलित विरोधी हो, चाहे महिला विरोधी है रही है, वो चुनाव समय से नहीं चाहते। मामला माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। माननीय न्यायालय जो आदेश देगा सरकार उसका पालन करेगी, और जिन लोगों का जो भी हक है वह हक उनको मिले, चाहे वह पिछड़े वर्ग से रिलेटेड हो, चाहे अनुसूचित वर्ग से, अनुसूचित जनजाति से, या महिलाओं का हिस्सा हो, सबको उनका हिस्सा मिले, सरकार की ये मंशा है। और चुनाव समय पर हो यह भी सरकार चाहती थी, लेकिन सपा अपने एक बड़े नेता के भाई के माध्यम से इसमें अड़चन डालने का निश्चित तौर से प्रयास किया है। तो मतलब वो जो पिटीशनर है वो सपा से उनका लिंक है, और चूंकि लोग न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत किसी को भी न्यायालय के समक्ष अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन जब चुनाव में देरी कैसे हो जाए, चुनाव में जो जिनको अधिकार मिलना चाहिए लड़ने का, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, वो अधिकार से वंचित कैसे हो जाए, जब मंशा इस प्रकार की होती है तो निश्चित तौर से उससे, यह जो मैं लगातार आरोप लगाता रहता हूं कि समाजवादी पार्टी पिछड़ा विरोधी है, अगड़ा विरोधी है, अनुसूचित जनजाति की विरोधी है, महिला विरोधी है, तो उसका ये आचरण प्रदर्शित होता है। और हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास, सबको प्रतिनिधित्व, सबको सम्मान और स्थान देते हुए आगे बढ़ रही है। सदर सांसद रवि किशन ने बुधवार को लोकसभा में गोरखपुर व आसपास के कई स्टेशनों पर कुछ आवश्यक ट्रेनों के ठहराव की मांग की। इन ट्रेनों का ठहराव कोरोना काल में निरस्त कर दिया गया था, जिसके दोबारा ठहराव के लिए सांसद रवि किशन ने मांग की। सांसद ने यह मांग नियम 377 के तहत की। सांसद रवि किशन ने कहा कि भारतीय रेलवे देश की जीवन रेखा है, जिससे करोड़ों यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेल का चौमुखी विकास हो रहा है, जिससे यात्रियों को काफी सुविधा महसूस हो रही है। आज यात्रियों को वर्ल्ड क्लास रेल यात्रा की अनुभूति हो रही है, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के प्रति आभार प्रकट करता हूं। सांसद ने रेल मंत्री से मांग की कि कोरोना काल में जिन ट्रेनों का ठहराव कई रेलवे स्टेशनों पर निरस्त कर दिया गया था, उनका ठहराव उन स्टेशनों पर आवश्यक है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि दोबारा इन ट्रेनों का ठहराव उन स्टेशनों पर किया जाए। जिन स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव निरस्त किया गया था उनमें सहजनौर रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या 15,007, 15,008, गोरखनाथ एक्सप्रेस 19,038, 19,037, अवध एक्सप्रेस 22,037, 22,038, कुशीनगर एक्सप्रेस 11,124, 11,123, बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस 15,273, 15,274, सत्याग्रह एक्सप्रेस शामिल हैं। इसके अतिरिक्त पीपीगंज और कैंपियरगंज में गाड़ी संख्या 18,201, 18,202, 18,205, 18,206, 15,065, 15,067 एवं 15,066, 15,068 का ठहराव जनहित में अति आवश्यक है। श्री रवि किशन जी, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति अत्यंत आभारी हूँ।
आपसे मुझे नियम 377 के तहत बोलने का मौका दिया। महोदय, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, रेल मंत्रालय, जो वर्ल्ड क्लास ट्रेन का जो सिचुएशन है, वो जितनी तारीफ करो अपनी सरकार की, मोदी जी की, और रेल मंत्रालय की, रेल मंत्री जी की, इतनी कम है। महोदय, मैं आपसे एक माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से उनका एक ध्यान आकर अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि आपदा काल के कोरोना में देश में काफ़ी ट्रेनों का संचालन निरस्त कर दिया गया था। बाद में ट्रेनों का संचालन दोबारा शुरू हो गया, परंतु मेरे संसदीय क्षेत्र के विभिन्न रेलवे स्टेशन पर कुछ ट्रेनों का ठहराव निरस्त कर दिया गया। जहाँ पूर्व समय में ठहराव चलता आ रहा था, जैसे कि आप जानते हैं गोरखपुर में करीबन 1,00,000 यात्री रोज़ गोरखपुर स्टेशन से ट्रैवल करते हैं, मेरे संसदीय क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव जनहित में अति आवश्यक है, जिसमें सहजनवा रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या 1507 15008, गोरखनाथ एक्सप्रेस वे 19038 19037, अवध एक्सप्रेस 22537 22538, कुशीनगर एक्सप्रेस 1124 1123, बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस 15273 15274, सत्याग्रह एक्सप्रेस शामिल है। अतरंग पीपीगंज और कैंपियरगंज, यहाँ पर से मुझे बहुत देवतुल जनता के बहुत लेटर्स आते हैं कि उनको 18201 18202 और 18205 18206 1505 1506 15068 1508 का ठहराव जनहित में अति आवश्यक है। आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मैं मांग करता हूँ उपरोक्त ट्रेनों का ठहराव मेरे संसदीय क्षेत्र उल्लेखित स्टेशनों पर सुनिश्चित करें कि कृपा करें, जिससे मेरे संसदीय क्षेत्र के यात्रियों को रेल की सुविधा मिले। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद जी। सहजनवा थाने की पुलिस ने 5 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है, जिसके संबंध में सीओ कैंपियरगंज श्याम देवबिंद ने बताया कि सहजनवा थाने की पुलिस ने 5 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है, जिनकी पहचान अरविंद यादव पुत्र इंद्रजीत यादव उर्फ इनरमन यादव निवासी माधोपुर थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर, दूसरा शिव प्रताप यादव पुत्र स्वर्गीय रामदर्श यादव निवासी नरौली थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर, तीसरा प्रतीक उर्फ प्रिंस पांडे निवासी ग्राम डोहरिया कला थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर, चौथा प्रेम यादव पुत्र स्वर्गीय गुलाब यादव निवासी माधोपुर थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर, पांचवा अनिकेत शर्मा पुत्र सुरेश निवासी नंदा नगर दरगहिया रेलवे लाइन के किनारे थाना शाहपुर गोरखपुर के रूप में हुई है। सीओ कैंपियरगंज ने बताया कि पांचों अभियुक्त लोगों से रंगदारी मांगते थे, इसके अलावा अवैध शस्त्र रखते थे, जिनके ऊपर प्रभावी नियंत्रण लगाने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंपियरगंज श्याम देवबिंद ने कहा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों पर प्रभावी रोकथाम के लिए चलाए गए अभियान के तहत आज थाना सहजनवा पुलिस द्वारा 5 साथी अपराधियों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें गैंग लीडर अरविंद यादव और उसके 4 साथी हैं, जो रंगदारी, हत्या के प्रयास इत्यादि तमाम मुकदमे जिनके ऊपर हैं और जो फरार चल रहे हैं जमानत पर छूटने के बाद, उनके ऊपर आज गैंगस्टर अधिनियम के तहत थाना सहजनवा पर मुकदमा पंजीकृत हुआ है। खिचड़ी मेले को लेकर गोरखनाथ मंदिर सहित नगर निगम, पुलिस और प्रशासन के साथ साथ सभी संबंधित विभाग मेले अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में लग गए हैं। गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति पर्व खिचड़ी 15 जनवरी 2023 को मनाया जाएगा। यह जानकारी गोरक्षपीठ के प्रधान पुरोहित आचार्य रामानुज त्रिपाठी ने दी। श्री गोरक्षनाथ संस्कृत विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखनाथ गोरखपुर में मकर संक्रांति खिचड़ी पर्व को लेकर एक बैठक हुई, जिसके संबंध में आचार्य रामानुज त्रिपाठी ने बताया कि यह पर्व संवत 2079 शक 1944 माघ मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि के ब्रह्म मुहूर्त में 3:02 पर सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेगा, अतः 15 जनवरी 2023 दिन रविवार को पूरे दिन मकर संक्रांति का महापर्व मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पर्व के अवसर पर ऊनी वस्त्र, तेल, घी, तिल, गुड़ इत्यादि द्रव्यों का दान करना श्रेयस्कर होता है। इस मकर संक्रांति में मिथुन, सिंह, वृश्चिक, धनु, कुंभ राशि वाले जातकों को विशेष लाभ मिलेगा, जिसके संबंध में गोरखनाथ मंदिर के मुख्य
मठ पुरोहित वेदाचार्य रामानुज त्रिपाठी ने बताया कि खिचड़ी मेले में सिर्फ यूपी बिहार से ही नहीं बल्कि देश भर से श्रद्धालु गुरु गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने आते हैं। यह परंपरा 14 जनवरी से शुरू होकर पूरा एक महीने तक चलता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरक्षपीठ के प्रधान पुरोहित आचार्य रामानुज त्रिपाठी ने कहा, खिचड़ी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और परंपरा के अनुसार मकर संक्रांति खिचड़ी 15 को मनाया जाएगा और इसमें कोई संदेह नहीं है। और हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी पूर्णतया अच्छी तरह से मनाया जाएगा। और कुछ आगे पूछना हो तो बताइए। कितने बजे मुहूर्त होगा? मुहूर्त तो भोर में ही लग जाता है, तो भोर से ही खिचड़ी चढ़नी शुरू हो जाती है। क्या महत्व होता है खिचड़ी का? इस खिचड़ी का संक्रांति का बहुत महत्व है और यह खिचड़ी परंपरागत अनुसार और पंचांग के अनुसार जब धनुराशि से मकर राशि में भगवान भुवन भास्कर प्रवेश करते हैं उसी समय खिचड़ी मनाया जाता है। इसी परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी खिचड़ी मनाया जाएगा और यह संक्रांति मनाने की परंपरा है। तभी से ये जब संक्रांति में सब लोग गोता लगाते हैं, स्नान करते हैं, उसी दिन से शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। विवाह शादी जो भी जनेऊ इत्यादि है का कार्यक्रम शुरू होता है, इसलिए यह और भी महत्वकारी हो जाता है क्योंकि कोई कार्य बिना संक्रांति के पहले शुरू नहीं होता है। क्या क्या चढ़ाए जाते हैं? मकर संक्रांति में काला तिल, चावल, गुड़, ऊनी वस्त्र, ये सब चीज़ चढ़ाया जाता है, गरीबों को दिया जाता है। भगवान जो है गोरखनाथ जी को चढ़ाया जाता है। गोरखनाथ जी की खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा बहुत दिनों से है, अनादि काल से है। बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी के जो है गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ जी, मत्स्येंद्रनाथ जी की परंपरा से एक खिचड़ी चढ़ने का विधान है और तब से खिचड़ी चढ़ता है। गोरखनाथ जी खिचड़ी मांगते हुए यहाँ आए, उनका एक खप्पर था, जो खप्पर नहीं भर रहा था, आते आते खप्पर यहाँ जब गुरु गोरक्षनाथ जी ने उसमें खप्पर में खिचड़ी डाली तो पात्र भर गया, अच्छा पात्र था। और तब से जो खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा यहाँ है। सिकरीगंज थाने की पुलिस ने 2 छाते चोरों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि सिकरीगंज थाने की पुलिस ने 2 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है, जिनकी पहचान संजय जायसवाल पुत्र रामचंद्र जायसवाल निवासी खुचबार थाना खजनी जनपद गोरखपुर, दूसरा अंगद गोस्वामी पुत्र दयाशंकर गोस्वामी निवासी निवास थाना गोला जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी साउथ ने बताया कि गैंग का गैंग लीडर संजय जायसवाल अपने गैंग के सदस्यों के साथ सुसंगठित आपराधिक गैंग बनाकर आर्थिक भौतिक लाभ हेतु आए दिन चोरी जैसे अपराध करते हैं। इस गैंग के लीडर एवं सदस्यों के आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, विगत दिनों थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर पुलिस को वाहन चोरों का एक गैंग पकड़ने में सफलता मिली थी।
इस गैंग ने बासगांव, रुआ, सिकरीगंज कई थाना क्षेत्रों में वाहन चोरी की थी। कई घटनाओं का पर्दाफाश हुआ, चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई। आज सिकरीगंज पुलिस ने इस गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया है। इन अपराधियों की अपराध से अर्जित संपत्ति की भी जानकारी की जाएगी। गैंगस्टर एक्ट में आरोप पत्र के साथ साथ 14(1) गैंगस्टर एक्ट में अपराध से अर्जित इनकी संपत्ति भी कुर्क कराई जाएगी। प्रदेश के नगरों की विशिष्ट विशेषताओं को उद्घाटित कराते हुए देश में उनकी अपनी पहचान सुनिश्चित करने एवं नगरों के सृजन दिवस को नगरों के जन्म दिवस के रूप में मनाए जाने की अति महत्वाकांक्षी योजना के तहत गोरखपुर जनपद और शहर को सृजन दिवस मनाए जाने के संबंध में तैयारियां की जा रही हैं। इस संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि नगर निगम के द्वारा बैठक की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि 14 जनवरी 1802 में पहली बार जनपद में पहला कलेक्टर की नियुक्ति की गई थी। उन्होंने कहा कि नगर क्षेत्र के ऐतिहासिक पौराणिक विरासत स्थल के महत्व के स्थानों पर कार्यक्रम समारोह आयोजित किए जाने की विशेष कार्य योजना बनाई जा रही है। इस योजना के ऐतिहासिक के साथ साथ नगर के नगरीय निकाय के रूप में होने के विस्तृत अधिसूचना के आधार पर भी निकाय के सृजन की तिथि अधिसूचित किए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, आपके संज्ञान में है प्रदेश के नगरों की विशिष्ट विशेषताओं को उद्घाटित करते हुए देश में उनकी अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु नगरों के सृजन दिवस को नगरों के जन्म दिवस के रूप में मनाए जाने की अति महत्वाकांक्षी योजना के तहत गोरखपुर जो हमारा जनपद है, गोरखपुर हमारा जो शहर है, नगर है, उसके भी सृजन दिवस के संबंध में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इस संबंध में हम लोग पहले कई बैठकें कर चुके हैं, अभी भी हम लोग कई बैठकों अन्य बैठकों के माध्यम से जिसमें हमने जो इतिहास के हमारे प्रोफेसर साहबान हैं, लेक्चरर हैं, जो हमारे विभिन्न समाचार पत्र, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे पत्रकार साथीगण हैं, जो हमारे पुरातात्विक विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे म्यूजियम के लोग हैं, अन्य जो इस शहर के सम्मानित बुजुर्ग हमारे अभिभावकगण हैं, उन सभी को लेकर हम लोग ने एक हमारे मेयर साहब के नेतृत्व में हम लोग लगातार एक कोशिश कर रहे हैं कि एक सर्वसम्मति तैयार की जाए कि गोरखपुर नगर का सृजन दिवस किस तारीख को मनाया जाए। आज भी जैसे आपने देखा होगा कि कुछ हमारे दैनिक जागरण समाचार पत्र और कुछ समय पहले अमर उजाला समाचार पत्र में भी अलग अलग इस सृजन दिवस के संबंध में लगातार समाचार प्रकाशित हो रहे हैं, जिसकी वजह से नगर निगम को बहुत हेल्प मिल रही है। आज की जो समाचार पत्र दैनिक जागरण में आया है कि 14 जनवरी 1802 में पहली बार गोरखपुर शहर में फर्स्ट कलेक्टर की नियुक्ति की गई थी, तो एक ये भी बहुत ही जिसके अभी कई लोग इस पे संबंध में फ़ोन आ चुके हैं कि साहब इस संबंध में जो 14 जनवरी की डेट है बहुत ही सुटेबल, काफ़ी लोगों को मालूम चल रही है। इस संबंध में हम आज या कल में एक बैठक बुला रहे हैं मेयर साहब की अध्यक्षता में, जिसमें कि सभी लोगों को आमंत्रित करके उनकी भी इस डेट के संबंध में राय जान ली जाए या कोई अन्य उनके सुझाव हैं। हम समाचार पत्रों में भी इस बारे में लगातार न्यूज़ फ्लैश करा रहे हैं, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, कि अगर किसी को इस संबंध में अपना कोई भी सुझाव भी देना हो या उसके पास कोई पुख्ता जानकारी हो या जिसने गजेटियर का अध्ययन कर रखा हो उसके माध्यम से वो कोई जानकारी देना चाहे, क्योंकि ये शहर जो है गोरखपुर शहर हम सबका है और सभी लोग इसको दिलो जान से प्यार करते हैं। और आज गोरखपुर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम ये कह सकते हैं, प्रदेश तो छोड़िए, देश छोड़िए, पूरे विश्व में अपना एक जो अपना स्थान बनाया हुआ है और उसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर से यहाँ पे आ रहे हैं। तो पूरे विश्व को, पूरे देश को गोरखपुर शहर के बारे में बताने के लिए इसका जो जन्म दिवस बनाने की एक योजना चल रही है, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और निश्चित रूप से इससे बहुत सी लोगों को गोरखपुर को करीब से जानने और समझने का एक बहुत ही उचित अवसर प्राप्त होगा। तो ये जो लगातार हम लोग बैठ के करके कोशिश कर रहे हैं कि इस वीक में या कमिंग जो नेक्स्ट वीक के पहले या दूसरे दिन में हम लोग बैठक के माध्यम से एक निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे और उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने लोग भी गोरखपुर से जुड़े हुए हैं वो कहीं पर भी हैं
उनको इसके बारे में अवगत कराया जाए और इसको मनाने के तरीके के संबंध में भी उनके सुझाव आमंत्रित किए जाएं, और उसके बाद जब सभी के सुझाव प्राप्त हो जाएं तो उसको एक कलेक्ट करके, उसको क्लब करके एक हम लोग जो बहुत अच्छा सा प्लान तैयार करें और उसमें सभी लोगों को आमंत्रित करके हम लोग एक गोरखपुर का जो जन्मतिथि है उसे हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहते हैं। और ये निश्चित रूप से इस जो शासन की ये जो नीति है इसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। निकाय चुनाव के लिए हम हैं तैयार पर सपा की नीयत है खराब, लगा रही है अड़ंगा। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने लगाया आरोप, कहा समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी के एक नेता के भाई के माध्यम से पैदा कर रही है अड़चन। निकाय चुनाव में देरी में सपा है दोषी, सपा की मानसिकता है दलित, पिछड़ा और महिला विरोधी। समय से चुनाव चाहती है योगी सरकार, जिसका जो हक है उसे दिलाने की है मनसा। न्यायालय के हर आदेश का पालन करेगी योगी सरकार। सदर सांसद रवि किशन ने लोकसभा में सहजनवा, पीपीगंज और कैंपियरगंज रेलवे स्टेशन पर कोरोना काल से स्थगित विभिन्न ट्रेनों के ठहराव का उठाया मुद्दा, कहा जनहित के लिए आवश्यक है दोबारा ट्रेनों का ठहराव। रंगदारी मांगने, जानलेवा हमला करने व अवैध शस्त्र रखने वाले 5 अभियुक्तों अरविंद यादव, शिव प्रताप यादव, प्रतीक उर्फ प्रिंस पांजे, प्रेम यादव और अनिकेत शर्मा के ऊपर सहजनवा थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। सीओ कैंपियर घर श्याम देवबिंद ने दी जानकारी। जनवरी 2023 को मनाया जाएगा मकर संक्रांति खिचड़ी महापर्व। गोरक्षपीठ के प्रधान पुरोहित आचार्य रामानुज त्रिपाठी ने कहा इस मकर संक्रांति में मिथुन, सिंह, वृश्चिक, धनु और कुंभ राशि वाले जातकों को मिलेगा विशेष लाभ। 2 शातिर चोरों संजय जायसवाल व अंगद गोस्वामी पर सिकरीगंज थाने की पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा किया दर्ज। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। प्रदेश के नगरों की विशिष्ट विशेषताओं को उद्घाटित करने की अति महत्वाकांक्षी योजना के तहत गोरखपुर जनपद और शहर का मनाया जाएगा जन्म सृजन दिवस। नगर आयुक्त विनाश सिंह ने कहा ऐतिहासिक पौराणिक विरासत स्थल के महत्व के स्थानों पर आयोजित होंगे विभिन्न कार्यक्रम। गाँव में भी सुरक्षा तंत्र मजबूत करने में जुटी है योगी सरकार। गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में 151 स्थानों पर पंचायती राज विभाग द्वारा लगवाए गए उच्च गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे। प्रथम फेज में 307 स्थलों पर ग्राम निधि से लगने हैं सीसीटीवी कैमरे। जनहित में यूनियन बैंक ने अपने सीएसआर फंड से 8 डिब्बे वाले कूड़ेदान सहित 13 ट्राईसाइकिल नगर निगम को किया गिफ्ट। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने ट्राईसाइकिल को हरी झंडी दिखाकर वार्डों में किया रवाना, कहा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कर कर्मचारी ब्रांड एम्बेसडर की हैसियत से स्वच्छता एवं सफाई पर लोगों को करेंगे जागरूक। शहर के वार्ड नंबर 38 महेवा स्थित कान्हा उपवन नगर में रहने वाले आम नागरिकों का बुनियादी सुविधाओं के अभाव को देखते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने तत्काल मुख्यमंत्री त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत प्रदान की सड़क की स्वीकृति, कहा निर्माण कार्य की गुणवत्ता के बारे में स्थानीय निवासियों से ली जाएगी जानकारी। और गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियां हुई शुरू। मेले में ब्रेक डांस, ज्वाइन बिल, टोरा टोरा, नाव, रेंजर, तमाम तरह के झूले के साथ मैरी ग्राउंड नाम का आया नया झूला। झूला व्यवसायी ने कहा 25 दिसंबर से ही लोग इनका शुरू कर देंगे उठाना लुफ्त। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विकास और खुशहाली के लिए अनिवार्य शर्त है मजबूत कानून व्यवस्था। प्रदेश की योगी सरकार ने सुदृढ़ कानून व्यवस्था को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी हैं। लगातार मजबूत किए जा रहे सुरक्षा तंत्र के लिहाज से न सिर्फ शहर बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी मुकम्मल ध्यान दिया जा रहा है। देहात के इलाकों में पुलिसिंग को चुस्त दुरुस्त रखने में पंचायती राज विभाग भी अपने स्तर पर योगदान दे रहा है। पंचायती राज विभाग की मॉनिटरिंग में गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में लगवाए गए उच्च क्षमता वाले 151 सीसी कैमरे पुलिस के लिए काफी मददगार होंगे। अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने, वारदातों का खुलासा करने में सीसी कैमरों की महत्वपूर्ण भूमिका किसी से छिपी नहीं है। अब तो
अधिकांश घटनाओं का पर्दाफाश सीसीटीवी फुटेज से हो ही रहा है। प्रदेश सरकार इस विजुअल सर्विलांस पर खासा ध्यान दे रही है। शासन के निर्देश पर पुलिस प्रशासन की तरफ से ऑपरेशन ट्रिनेट चलाकर व्यापारियों व जन सहयोग से भी बड़ी तादाद में सीसी कैमरे लगवाए जा रहे हैं। शहर के साथ कस्बाई व देहात क्षेत्र के कारोबारी भी इस पहल में भागीदारी कर रहे हैं। इस व्यवस्था को और मजबूत करने में सहयोगी की भूमिका में पंचायती राज विभाग भी आया है। जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर के मुताबिक गोरखपुर में पहले चरण में विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में 307 स्थानों पर सीसी कैमरे लगवाने के लक्ष्य निर्धारित किया है। ये कैमरे ग्राम पंचायत निधि से लगवाए जा रहे हैं। अब तक 151 स्थानों पर सीसी कैमरे लगा भी दिए गए हैं। जिले के ग्राम पंचायतों के स्तर पर सर्वाधिक 17 सीसी कैमरे बेलघाट ब्लॉक क्षेत्र में लगाए गए हैं। बेलघाट के अलावा पहले चरण में कौड़ीराम ब्लॉक में 15, पढ़लगंज ब्लॉक में 15, भचहच में 12, गोला में 12, कैंपियरगंज में 12, भरोया में 11, ब्रह्मपुर में 10, पिपरौली में 8, चिरगावा में 7, पौली में 7, सरदारनगर में 6, पिपरौली में 5, सहजनवा में 5, उरवा में 4, जंगल कौड़िया में 3 तथा बांसगांव ब्लॉक के 2 ग्रामीण क्षेत्रों में सीसी कैमरे लग चुके हैं। बेलघाट के एक ही ग्राम पंचायत बारी गांव में 8 स्थानों पर कैमरे लगा दिए गए हैं। इसी ब्लॉक के ग्राम पंचायत सिकरीगंज में 6 तथा गोला ब्लॉक के भर्रोह ग्राम पंचायत में भी 6 स्थानों को सीसी कैमरे के दायरे में ला दिया गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी का कहना है कि सीसी कैमरे लगवाने के लिए प्रधानों से निरंतर संवाद कर उन्हें जागरूक किया जा रहा है। जल्द ही पहले चरण का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। देखें वहाँ देखिए 2 कैमरा लगा हुआ है, सामने वाले फोर पे कैमरा लगा हुआ है, इस मकान पे कैमरा लगा हुआ है, 2, 3, 4 जगह है, सब जगह कनेक्ट है, पूरे गांव को कवर कर रहा है। आप भले जैसे सब क्लिक करेंगे, अभी एक बाहर का वाला दिखा रहा है, अंदर गांव वाले मतलब सारे बारी बारी से हम लोग क्लिक कर सकते हैं। थोड़ा सा कर रहा हूँ उसको, जारी है यूनियन बैंक ने अपने सीएसआर फंड से 8 डिब्बे वाले कूड़ादान सहित 13 ट्राईसाइकिल को जनहित में नगर निगम को गिफ्ट किया है, जिसका शुभारंभ बख्शीपुर स्थित मारवाड़ इंटर कॉलेज के परिसर से नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने ट्राईसाइकिल को हरी झंडी दिखाकर वार्ड में रवाना किया। जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि इस ट्राईसाइकिल के माध्यम से भरपुरवा, निजामपुर, गुड़ियाना, इलाहीबाग, तिवारीपुर, आवास विकास कॉलोनी, गाजी रोजा, जाफरा बाजार स्टेट बैंक कॉलोनी, कल्याणपुर, इस्माइलपुर, मिर्जापुर में शोध पर ही गीला सूखा कूड़ा कलेक्शन का कार्य प्रारंभ किया गया। अपने अपने घरों से गीले सूखे कूड़े की पहचान करते हुए अलग अलग एकत्र कर डोर टू डोर के कर्मचारियों को दिए जाने हेतु जानकारी दी गई। नगर निगम गोरखपुर के एक ब्रांड एम्बेसडर की हैसियत से स्वच्छता एवं सफाई पर लोगों को जागरूक करने के लिए भी प्रेरित किया गया। सभी ट्राईसाइकिलों पर गीले कूड़े के लिए हरे एवं सूखे कूड़े के लिए नीला डस्टबिन रखा गया है। इसके साथ ही ट्राईसाइकिलों पर गीले एवं सूखे कूड़े की पहचान हेतु विवरण सहित पोस्टर भी लगवाए गए हैं, ताकि लोगों को गीले और सूखे कूड़े की जानकारी हो और तदनुसार लोग उसी अनुसार हरे और नीले डस्टबिन में अपने एकत्रित कूड़े को डाले। इस अवसर पर विद्यालय प्रशासन के साथ साथ लेखाधिकारी श्री रवि सिंह, जनरल सफाई निरीक्षक अखिलेश श्रीवास्तव, कार्यवाहक सफाई निरीक्षक श्री विनोद श्रीवास्तव तथा बैंक के प्रबंधक एवं अन्य स्टाफ, नगर निगम के अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, जीवन
20 रुपए, एक एक लोग निकालो, आइए ना। में हम लोगों ने यूनियन बैंक के जो रीजनल मैनेजर हैं, रीजनल हेड हैं, उनकी उपस्थिति में, जो हमारे लेखाधिकारी महोदय हैं उनकी उपस्थिति में, और नगर निगम की अन्य टीम के साथ वहाँ पर जो हमारे डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हो रहा है, उसमें हम लोगों ने लगभग 25 से ऊपर जो ट्राई साइकिल है जिसमें कि नीला और हरा डस्टबिन लगा हुआ है, उसको हरी झंडी देकर रवाना किया इसका। और वहाँ पर मौजूद बहुत बड़ी संख्या में छात्रों को संबोधित करते हुए उनको ये अवगत कराया कि ये छात्र हमारे नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इनको अपने घरों में जाकर अपने आस पड़ोस में लोगों को बताना है कि वो अपने घर के कूड़े को बाहर ना फेंकें, खाली प्लाटों में ना फेंकें। जो उनके यहाँ ये रिक्शे वाले, जो ये गाड़ी वाले आ रहे हैं, सीटी बजाकर गाना बजाकर आपसे वो कूड़ा मांग रहे हैं, तो आप अपने घर में 2 डस्टबिन रखिए, गीले कूड़े को जो हरे रंग के डस्टबिन में और सूखे कूड़े को नीले रंग के डस्टबिन में रखें, और जब गाड़ी आ जाए या ट्रॉली आ जाए उसके ऊपर नीले कंपार्टमेंट में जो सूखा कूड़ा और हरे कंपार्टमेंट में गीला कूड़ा उसको दे दें, जिससे कि कूड़ा इस सड़कों पे नहीं फैलेगा और प्राइमरी सोर्स पे ही इस कूड़े का सेग्रीगेशन हो जाएगा। और इस, आप भी जानते हैं कि इस गीले कूड़े से और सूखे कूड़े का बहुत बड़ा अब उपयोग हो गया है। इस गीले कूड़े से जहाँ हम ऑर्गेनिक कंपोस्ट और अन्य चीज़ें बना रहे हैं, साथ ही बायो CNG बनाने जा रहे हैं, वहीं पर इस जो हमारे सूखे कूड़े में प्लास्टिक की बॉटल्स और अन्य चीज़ें हैं उनसे हम लोग रिसाइकिल करके गमले, जो पॉट, खिलौने आदि बना रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसको हमारा इससे आज के इस अभियान का उद्देश्य है कि कोई भी पब्लिक नगर को स्वच्छ रखने में नगर निगम का पूरा योगदान दें, उसमें अपना जो है जो एक सहभागिता प्रदान करें, जिससे कि जो शहर में कहीं कुछ गंदगी है भी वो भी ना देखने को मिले, और गंदगी को जहाँ जाना चाहिए, जहाँ पर हमारा मैनेजमेंट प्लांट है सॉलिड वेस्ट में, वहाँ पर पहुँचे, इधर उधर ना गंदगी दिखाई दे। और यह इसके माध्यम से समझाया गया कि शहर को स्वच्छ रखना सिर्फ नगर निगम का ही नहीं, वरन सहस पर जितने भी शहरवासी हैं उन सबका प्राथमिक कर्तव्य है। शहर के वार्ड नंबर 38 महवा स्थित कान्हा उपवन नगर में रहने वाले आम नागरिकों का बुनियादी सुविधाओं के अभाव को देखते हुए बुधवार को नगर आयुक्त अविनाश सिंह द्वारा महवा वार्ड का स्थलीय निरीक्षण के दौरान ट्रांसपोर्ट नगर से आगे बंधे की तरफ समय माता मंदिर के आसपास के निवासियों द्वारा खराब सड़क की मरम्मत की मांग की गई, जिसको देखते हुए नगर आयुक्त और विधायक विपिन सिंह के द्वारा नारियल तोड़कर विधिवत भूमि पूजन करके नए रोड का भी शुभारंभ किया गया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि महवा वार्ड में मलौली बंधा से समय माता मंदिर होते हुए धर्मेंद्र साहनी के मकान एवं अन्य विभिन्न गलियों में कुल 650 मीटर लंबाई का CC रोड व नाली के निर्माण हेतु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नगर निगम गोरखपुर को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए मुख्यमंत्री त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत सड़क की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा कराए जा रहे तथा त्वरित आर्थिक विकास कार्य पूर्ण हो जाने के बाद भी नगर निगम द्वारा स्थानीय निवासियों से गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली जाएगी। इस अवसर पर अवर अभियंता देवेंद्र कुमार, अधिशासी अभियंता ND पांडे, स्थानीय पार्षद रामभुआल कुशवाहा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह एवं नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, ಸಂಪೂರ್ಣ
यहाँ 5 रोड नहीं बननी है, 5 रुपए अस्वीकृत है और हमको नहीं लगता है कि 5 सालों जितना काम हुआ कभी हुआ होगा, ठीक ना। मकान से प्रदीप को जाके घर तक 295 मीटर, सदानंद तिवारी के मकान से श्याम सुंदर के गांव मकान तक सीसी रोड 265 मीटर, शंभु किराना से धनौता के घर से के आगे से ठीक ना 205 मीटर, मलौनी बंधे से समय माता मंदिर स्थान होते धर्मेंद्र के निषाद के घर तक 92 लाख रुपए का भी काम है, ठीक ना। के मकान से नरसिंह निषाद के मकान तक सीसी रोड 56 लाख रुपए, एक काम स्वीकृत हो गए, काम होने में थोड़ा। महाराज जी जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए 2017 से लेकर 22 तक के कार्यकाल में भी बहुत ज़्यादा कार्य हुए हैं और जनता ने फिर उनको आशीर्वाद दिया है। 22 से 27 के कार्यकाल में शायद गोरखपुर में कोई काम अछूता रह जाए जो न हो। आज महेवा वार्ड में बहुतायत कार्य हो चुके हैं, 5 कार्य हमारे नए जो है नगर निगम को करना है वो सारे स्वीकृत हो गए, टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है, ठेकेदारों का अनुबंध अगर आयुक्त महोदय द्वारा कर दिया गया है, सारे कार्य धरातल पर 2-4 दिनों में दिखाई दे जाएंगे। जनता को योगी सरकार से बेहतर कोई सरकार न तो मिली है न तो आगे मिलेगी। जो छोटी मोटी समस्या और रह जाएगी उसको भी हम लोग 4 साल का भी मौका उसको दूर कर देंगे। आज प्रातः ही मेरे संज्ञान में लाया गया था कि महेवा कटनिया के क्षेत्र में लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी एक सड़क है जिसको लेकर वहाँ के स्थानीय जनता का ये था कि कोई उनकी सुध नहीं ले रहा है और वहाँ पर जो हालत बहुत ही ख़राब है रास्ते की और आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संज्ञान में आते ही आज मैं सीधे वहाँ मौके पर गया और वहाँ की स्थानीय जनता को लेकर पूरे मार्ग का भ्रमण किया। निश्चित रूप से जो स्थानीय जनता की मांग है वो पूरी तरह से जायज़ है, उसको देखते हुए हमने तुरंत अपनी टीम को बुलवाया और ये पाया कि इस जो ये सड़क है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत त्वरित की जा स्वीकृत की जा चुकी है और इसकी कुल लागत जो है 93 लाख रुपए है और इसका जब स्वीकृत होकर इसका वर्क ऑर्डर भी जारी हो गया है। इस पर मैंने तत्काल ही वहां पर जो हमारे ठेकेदार थे वहां के जेई एई एक्सीएन एक्टिंग चीफ इंजीनियर उन सबको तुरंत वहाँ पर बुला लिया और उस क्षेत्र के जो हमारे विधायक ग्रामीण हैं श्री विपिन सिंह जी उनको भी हम लोगों ने बुलाया कि और वहाँ पर पंडित जी के मौजूदगी में बाकायदा पूजा करके उनके माध्यम से फावड़ा चलवाकर नारियल फड़वाकर आज इस कार्य का शुभारंभ करा दिया गया है। और ख़ास तौर से चूंकि ये सीसी रोड पूरी बन रही है तो ठेकेदार को इस बात के कड़े हिदायत दे दी गई है कि जो क्वालिटी से जो काम की गुणवत्ता है उसी से उससे किसी भी प्रकार को कंप्रोमाइज़ नहीं करना है और जिस समय भी वो ढालेंगे तो लोगों को पहले बता देंगे जिससे कि ढालते समय कोई उस सड़क पे चलने न पावे, नहीं तो उनके जो फुट के उनके पैरों के जो निशान हैं वो सड़क पर आ जाते हैं। तो इस सब चीज़ों को उनको कड़े निर्देश देने के बाद साथ में ये भी कहा कि जब वो सड़क को सीसी रोड की ढलाई करेंगे उसमें मुझको बताएंगे जिससे कि मैं खुद भी वहाँ पर मौजूद रहूँ या मेरा कोई प्रतिनिधि वहाँ मौजूद है जिससे कि हम कार्य की गुणवत्ता उच्च कोटि की रहे इसको सुनिश्चित कर सकें। तो निश्चित रूप से आज इससे वहाँ के क्षेत्र के जो निवासियों में बहुत ही हर्षोल्लास की लहर है और एक बहुत ही अच्छा काम आज संपन्न हुआ है।
गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियां होने लगी हैं, जिसमें तमाम तरह के झूला एवं दुकान लगाए जा रहे हैं। जिसके संबंध में बस्ती से आए झूले वाले सुनील कुमार ने बताया कि गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले की तैयारी चल रही है, जिसमें तमाम तरह के दुकान व झूले लगाए जा रहे हैं। दुकानदार और झूले वाले बाकी तमाम लोग अब आना शुरू कर दिए हैं। 20 दिसंबर तक मेला लगकर तैयार हो जाएगा और 25 दिसंबर से लोग इसका लुत्फ उठाना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि झूलों की साफ सफाई, रिपेयरिंग, पेंटिंग की जा रही है। रिपेयरिंग कर झूले की फिटिंग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मेले में ब्रेक डांस, ज्वाइन बेल, चोरा चोरा, नाव, रेंजर, तमाम तरह के झूले आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार मैरी ग्राउंड नाम का झूला आया हुआ है, जो सबसे अलग है और गोरखपुर में पहली बार यह झूला लग रहा है। झूले वाले ने बताया कि हम करीब 25 साल से गोरखनाथ के मेले में झूला लगाते हैं और यह मेला एक माह तक चलता है। उन्होंने कहा कि इस मेले परिसर में आए हुए दुकानदार के ऊपर मंदिर का पूरा सहयोग रहता है। मंदिर की तरफ से पानी, लाइट और शौचालय तथा साफ सफाई की सुविधा रहती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए झूले वाले व्यवसायी सुनील कुमार ने कहा, खड़े नहीं तो तेरे का दीदी कई दिन खड़ा रहा होता तब सुनील नाम है। कहाँ से आए हैं? अब तो ये झूला लोकल नंदा बाबा का है, बस्ती का मालिक है, हम उसकी देख रेख में हैं। इस वक्त कहाँ हैं आप? इसमें गोरखनाथ मंदिर में मेले की तैयारी चल रही है। अब ये 25 तारीख के बाद से स्टार्ट हो जाता है। अभी तो बहुत दुकानें नहीं लग पाई है, कब तक लोग आ जाते हैं? 20 तारीख के बाद लोग आना चालू हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग का थोड़ा खाली पहले हो गया था, इसलिए जल्दी आ गए हैं। और पेंट वेंट वगैरह, रिपेयरिंग वगैरह का काम चालू है, फिर उसके बाद जब ओके हो जाएगा फिर फिटिंग चालू होगी। 25 के बाद झूला चालू कर रहे हैं। किस तरह के झूला आप किस तरह के झूला आपके पास? झूला हमारे पास है, ब्रेक डांस है, ज्वाइंट व्हील है, टोरा टोरा है, नाव है, रेंजर है, उसके बाद मैरी ग्राउंड है। कुछ नया भी आया इस बार, कुछ खास अलग? इस बार एक नया झूला आया है, मैरी ग्राउंड उसका नाम है। क्या खास है उसका? खास क्या है कि वो अभी यहाँ पे पहली बार लग रहा है, अब देखते हैं दर्शक उसको कितना पसंद करते हैं। अच्छा, हर कितने सालों से आप आ रहे हैं? अरे कम से कम ये हम लोग 25 साल हो गया है, 25 साल से लगा रहे हैं। और कितने दिन तक रहता है ये? शिवरात्रि तक रहता है, खिचड़ी के स्टार्ट के बाद शिवरात्रि तक एंड होता है। कितनी भीड़ हो जाती है, कितना क्या हो जाता है? कितनी भीड़ होती है इस मेले में, या कितना आप लोग भीड़ का मतलब? यहाँ लाखों पब्लिक आती है खिचड़ी चढ़ाने के लिए, बहुत दूर दूर से नेपाल तक के लोग आते हैं खिचड़ी चढ़ाने के लिए गोरखनाथ महाराज के। आप लोग का क्या इंतजारी रहता है खिचड़ी मेले का? हाँ, क्या बहुत तैयारी होती है कि साल में एक बार वहाँ गोरखनाथ जाया जाता है, उत्साह रहता है कि गोरखनाथ का मेला हम लोगों का करना। और बाकी किस तरह की सुविधा यहाँ मिलती है आप लोग मंदिर की तरफ से? मंदिर की तरफ से बहुत सुविधा अच्छी है, शौचालय है, पानी की सुविधा है, लाइट है, फिर पूरा सफाई है, सफाई का विशेष महत्व रहता है यहाँ पे। लोग यहाँ के अधिकारी आते हैं? सारे अधिकारी लोग आते हैं चेक करने के लिए, क्या कोई कमी तो नहीं है। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर।
निकाय चुनाव के लिए हम है तैयार पर सपा की नीयत है खराब, लगा रही है अड़ंगा। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने लगाया आरोप, कहा समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी के एक नेता के भाई के माध्यम से पैदा कर रही है अड़चन। निकाय चुनाव में देरी में सपा है दोषी, सपा की मानसिकता है दलित पिछड़ा और महिला विरोधी। समय से चुनाव चाहती है योगी सरकार, जिसका जो हक है उसे दिलाने की है मनसा। न्यायालय के हर आदेश का पालन करेगी योगी सरकार। सदर सांसद रवि किशन ने लोकसभा में सहजनवा, पीपीगंज और कैंपियरगंज रेलवे स्टेशन पर कोरोना काल से स्थगित विभिन्न ट्रेनों के ठहराव का उठाया मुद्दा, कहा जनहित के लिए आवश्यक है दोबारा ट्रेनों का ठहराव। रंगदारी मांगने, जानलेवा हमला करने व अवैध शस्त्र रखने वाले 5 अभियुक्तों अरविंद यादव, शिव प्रताप यादव, प्रतीक उर्फ प्रिंस पांजे, प्रेम यादव और अनिकेत शर्मा के ऊपर सहजनवा थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्यवाही। सीओ कैंपियरगंज श्याम देवबिंद ने दी जानकारी। जनवरी 2023 को मनाया जाएगा मकर संक्रांति, खिचड़ी महापर्व। गोरक्ष पीठ के प्रधान पुरोहित आचार्य रामानुज त्रिपाठी ने कहा इस मकर संक्रांति में मिथुन, सिंह, वृश्चिक, धनु और कुंभ राशि वाले जातकों को मिलेगा विशेष लाभ। दो शातिर चोरों संजय जायसवाल व अंगद गोस्वामी पर सिकरीगंज थाने की पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा किया दर्ज, एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। प्रदेश के नगरों की विशिष्ट विशेषताओं को उद्घाटित करने की अति महत्वाकांक्षी योजना के तहत गोरखपुर जनपद और शहर का मनाया जाएगा जन्म सृजन दिवस। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा ऐतिहासिक पौराणिक विरासत स्थल के महत्व के स्थानों पर आयोजित होंगे विभिन्न कार्यक्रम। गाँव में भी सुरक्षा तंत्र मजबूत करने में जुटी है योगी सरकार। गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में 151 स्थानों पर पंचायती राज विभाग द्वारा लगवाए गए उच्च गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे। प्रथम फेज में 307 स्थलों पर ग्राम निधि से लगने हैं सीसीटीवी कैमरे। जनहित में यूनियन बैंक ने अपने सीएसआर फंड से 8 डिब्बे वाले कूड़ेदान सहित 13 ट्राईसाइकिल नगर निगम को किया गिफ्ट। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने ट्राईसाइकिल को हरी झंडी दिखाकर वार्डों में किया रवाना, कहा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कर कर्मचारी ब्रांड एम्बेसडर की हैसियत से स्वच्छता एवं सफाई पर लोगों को करेंगे जागरूक। शहर के वार्ड नंबर 38 महेवा स्थित कान्हा उपवन नगर में रहने वाले आम नागरिकों का बुनियादी सुविधाओं के अभाव को देखते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने तत्काल मुख्यमंत्री त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत प्रदान की सड़क की स्वीकृति, कहा निर्माण कार्य की गुणवत्ता के बारे में स्थानीय निवासियों से ली जाएगी जानकारी। और गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियां हुई शुरू। मेले में ब्रेक डांस, ज्वाइन बिल, टोरा टोरा, नाव, रेंजर, तमाम तरह के झूले के साथ मैरी ग्राउंड नाम का आया नया झूला। झूला व्यवसायी ने कहा 25 दिसंबर से ही लोग इनका शुरू कर देंगे उठाना लुफ्त। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।